गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 36वां दिन है फार्मर्स प्रोटेस्ट का। वहीं डेडलॉक की स्थिति खत्म हो चुकी है, लेकिन खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक वांटेड आईएसआई टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा डिपोर्ट किया गया था दुबई से। क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूं। खबर ये है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए पंजाब में टारगेट किलिंग करने वाले गैंगस्टर सुखमीत पाल सिंह उर्फ सुख बिकरीवाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर सुख बिकरीवाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि वह पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे कर सकता है। आतंकी संगठन भारत में अशांति फैलाने की तैयारी में जुटे हैं। इसी महीने की शुरुआत में सुख बकरीवाल को दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद उसे भारत सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी और आखिरकार वह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अधिकारी बलविंदर सिंह की हत्या में भी उससे पूछताछ की जा सकती है। हुलिया बदलकर दुबई में रह रहा था, जो खबर आ रही है। बिकरीवाल अपना हुलिया बदलकर लंबे समय से दुबई में रह रहा था। इस दौरान सुख बिकरीवाल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुलिया बदलने के साथ साथ अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के खुलासे के बाद दुबई स्थित बिकरीवाल के फ्लैट पर छापेमारी की गई और इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है। पंजाब और कश्मीरी आतंकियों के संपर्क में था सुख बिकरीवाल। उसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत में अशांति फैलाने के लिए पंजाब व कश्मीरी आतंकियों ने हाथ मिलाया था। वहीं दिल्ली पुलिस की माने तो पिछले दिनों दिल्ली पुलिस में, आप लोगों को ध्यान होगा, शकरपुर इलाके में गिरफ्तार किए हुए आतंकियों का मकसद भारत के खिलाफ खालिस्तानी आंदोलन खड़ा करना था। इसमें माना जा रहा है कि हाथ सुख बिकरीवाल का हाथ है, जो कि मोहरा है आईएसआई का। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए ये काम कर रहा था, ये खबर आ रही है। फिलहाल अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, वांटेड टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा, जिसको दुबई से डिपोर्ट किया गया था। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ देर में। धन्यवाद।